नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत बनाम श्रीलंका के इस बड़े मुकाबले में। इस सुनहरे दिन पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका और इस मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। सामने यशस्वी जायसवाल तैयार है और शुभमन गिल दो सलामी जोड़ी भारत की, और पहली गेंद का सामना करेंगे मधुशंका के। ओवर की पहली गेंद भारत के सामने, श्रीलंका ने बड़ा लक्ष्य रखा है और उसका पीछा दोस्तों करती हुई भारतीय टीम नजर आ रही है। पहली गेंद के लिए तैयार, पहली गेंद को बढ़िया शॉट, श्रीलंका की फील्डिंग कमाल की और एक रन लेने में कामयाब रहेंगे। यहाँ पर दूसरा रन नहीं हो पाएगा भैया, एक रन लेने में कामयाब रहे। और दिलशान मधुशंका की और कर गेंद पर अच्छी फील्डिंग मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा। ये देखिए वहां पर दिलशान मधुशंका श्रीलंका के बढ़िया गेंदबाजों में से एक है। एक बार विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी आउट करा था मिड विकेट पर शॉट, सदीरा समर विक्रमा बढ़िया बिल्डिंग, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए। ओवर की दूसरी गेंद के सामने भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल तैयार है, चलिए शुरुआत अच्छी करनी होगी। बढ़िया शॉट है, रन लेने की कोशिश है और दोस्तों यहां पर साफ तालमेल में कमी नजर आई इस गेंद पर। इस मैच में तालमेल में भारतीय टीम तालमेल में गड़बड़ी नजर आ रही है और अब लगातार भारतीय टीम को तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी। क्यों नहीं करनी होगी? करनी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बल्लेबाज ने एक ओवर यहाँ पर गेंदबाज ने अगर अच्छा निकाल दिया, फिर भारत के हाथ से मुकाबला निकलता हुआ दोस्तों नजर आएगा। पहले ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे शुभमन गिल। मधुशंका ने अभी तक दो गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी करी है, मात्र एक रन दिया है। तीसरी गेंद के लिए तैयार, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, कवर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, छक्का। इस बार छक्का है यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से, कवर के ऊपर से। इस बार ताकत का प्रदर्शन दिखा दिया है शुभमन गिल ने, कवर के ऊपर से छक्का लगाकर ताकत का प्रदर्शन कर दिया है शुभमन गिल ने। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर भारत का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगर यहां पर आप नजर डालेंगे 27 गेंदों पर 123 रन चाहिए। अगर शुभमन गिल इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया शॉट खेलेंगे भारतीय टीम का मैच जीत के करीब आ जाएगा, लेकिन अभी भी 27 गेंदों पर 129 रन। ओवर की चौथी गेंद के लिए सामने के लिए तैयार, यहां पर तेजी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी भारतीय टीम को। ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार, सामने शुभमन गिल और ये लॉन्ग रन के ऊपर से हवाई फायर कर दिया, गेंद बहुत ऊंची जा रही है, लंबा है ये भैया, 6 रन है ये। शुभमन गिल ने कमाल कर दिया इस ओवर में भैया, बढ़िया रन बना दिए भारतीय टीम, एक बार फिर कमाल करती नजर आ रही है। और ये देखिए अगर यहाँ पर लेंथ गेंदबाजी श्रीलंका की टीम इस समय करेगी तो उस पर दोस्तों प्रेशर बनने वाला है, प्रेशर बनने वाला है श्रीलंका के ऊपर। क्योंकि अब अगर आप स्कोरबोर्ड पे नजर डालेंगे भारतीय टीम के 13 रन हो चुके हैं दोस्तों बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की पांचवी गेंद के लिए तैयार, सामने शुभमन गिल 3 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके। दिलशान मधुशंका श्रीलंका के, अगर ओवर से सोचा जाए यहाँ से अब डॉट गेंदें करानी पड़ेगी। ओवर की पांचवी गेंद के लिए तैयार, शुभमन गिल मिड विकेट के ऊपर से खेला, कैच की मांग, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और ये वन बाउंस चौका मिलेगा। जी हाँ, ये शॉट एकदम टाइमिंग से भरपूर, टाइमिंग लगाते हुए भारतीय खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया की बढ़िया शुरुआत, श्रीलंका का है T20 का मुकाबला और आज वलंदु हसरंगा कप्तानी करते हुए नजर आ रहे श्रीलंका की ओर से। और श्रीलंका की प्लेइंग 11 में भारतीय टीम किस किस को खिलाड़ी को जगह देगी ये सोचने वाली बात रहेगी। जितने भी दर्शक एक बार जुड़ रहे हैं, बड़े मुकाबले को मिलकर लाइक कर दीजिए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये मैच चल रहा है इस समय लाइव। आखिरी गेंद के लिए तैयार, 25 गेंदों पर 113 रन, शुभमन गिल 4 गेंदों पर 16 रन। ओवर की अगली गेंद, ओवर पिच पे बड़ा शॉट, ये भी छक्का है, भारत ने इस ओवर में कमाल कर दिया है और इस ओवर में काफी ज्यादा अच्छे रन आ चुके हैं मतीसा पतिराना गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका की ओर से। आखिरी 24 गेंदों पर 107 रन जीत के लिए भारत के सामने, आखिरी 24 गेंदों पर 107 रन है। ओवर की दूसरी पहली गेंद, मतीसा पतिराना सामने जायसवाल,
अब जयसवाल को भी अपना बल्ला चलाना होगा। देखिए शुभमन गिल ने जिस प्रकार से बल्ला चलाया है, अब जयसवाल को भी यहाँ पर बल्ला चलाना ही होगा। दूसरी गेंद के लिए तैयार सामने मौजूद यशस्वी जायसवाल, और दोनों एक नई जोड़ी के साथ भारतीय टीम उतरी है आज। पहली गेंद के लिए तैयार सामने यशस्वी जायसवाल, पैड पर गेंदबाजी, कलाइयों के सारे से गेंद को बढ़िया फ्लिक करा, लेकिन चौका नहीं मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग है, दो रन मिल जाएंगे, लेकिन दो रन मिलते हुए यहाँ पर देखिए दूसरी ओर थ्रो मारते हुए यहाँ पर पति राणा, उनको लगा जायसवाल पहुंचेंगे नहीं, लेकिन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्राइक रेट को भी भारत को और बढ़ाना पड़ेगा। 23 गेंदों पर 105 रन। ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार यशस्वी जायसवाल, 23 गेंदों पर 105 रन। और ओवर की यहाँ पर दूसरी गेंद के लिए तैयार यशस्वी जायसवाल, सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे, बड़े शॉट खेले गए हैं। ओवर कवर पे यहाँ पर एक और अद्भुत छक्का लगा दिया है, और भारत देश के लिए, भारतीय टीम के लिए लाइक कर दीजिए। और आज दोस्तों लाइक करना बनेगा, भारतीय टीम का कोहराम इस मैच में शुरू हो चुका है। अच्छी बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडिया, और श्रीलंका प्रेशर बनाने का प्रयास करे, फील्डर को थोड़ा आगे बुला रहे हैं। विरेंद्र असरंगा ने एक स्लिप भी लगा रखी है यशस्वी जायसवाल के लिए। 31 रन पर कोई विकेट भारत का गिरा नहीं है, ये सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दर्शकों एक बार फिर मुकाबले को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी भारतीय टीम के लिए। तीसरी गेंद का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल, ओवर की तीसरी गेंद, 31 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं। ओवर की तीसरी गेंद, जायसवाल को अब बल्ला चलाना होगा लगातार, बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। लगान के ऊपर से बढ़िया शॉट, टाइमिंग के साथ गेंद जाएगी चौके के लिए, मिड विकेट के ऊपर से बढ़िया टाइमिंग के साथ। मिड ऑन के ऊपर को कवर क्लियर करना था वहां पर, और जायसवाल ने वो क्लियर भी कराई, बढ़िया टाइमिंग, सीधे बैट से खेलने का शॉट का प्रयास गेंद चौके के लिए। जी हाँ, 4 रन लगाते हुए एक बार फिर श्रीलंका के साथ इस सीरीज में भारत क्या प्रदर्शन अपना लाजवाब कर पाएगी। चलिए 21 गेंदों पर 95 रन, सामने 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर जायसवाल, और वहीं सुमन गिल की। यहाँ पर भारत को अपनी सोच को एकदम सकारात्मक रखना होगा, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, वहीं दोनों बल्लेबाज अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं। चलिए ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार मतीसा पति राणा, सामने मौजूद यशस्वी जायसवाल, ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार जायसवाल, तैयार है बाउंसर कराने का प्रयास है पति राणा, लेकिन पीछे खिलाड़ी, लेकिन केवल दर्शक, ये तो कमाल कर रहे हैं इस समय। ये अच्छा शॉट है, पटकी भी गेंद को खेला यशस्वी जायसवाल ने, स्क्वायर लेग के ऊपर से बढ़िया टाइमिंग के साथ खेल दिया छक्के के लिए। जी हाँ, श्रीलंका पर अब प्रेशर बन रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से श्रीलंका विकेट नहीं ले पाती है तो भारतीय टीम मैच ले जा सकती है उनके हाथों से। पति राणा का ये एक्शन और ये शॉट देखिए कमाल का कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी, यहाँ पर दोनों ही सलामी जोड़ी, ये देखिए उनके एकदम बैकफुट पर गेंद, बढ़िया शॉट छक्के के लिए, गेंद ट्रैवल करती हुई सीमा रेखा के बाहर, 41 रन। ओवर की पांचवी गेंद का सामना करेंगे जायसवाल, 5 गेंदों पर 19 रन। चलिए अगली गेंद के लिए तैयार, एक इस बार हटे हैं, हटकर खेल दिया, कैच की मांग करी है श्रीलंका की ओर से, लेकिन ये छक्का है एक और। जी हाँ, ये है भारतीय टीम की सकारात्मक सोच जिस पर साफ हावी होती हुई श्रीलंका की गेंदबाजी पर, और अब श्रीलंका अगर यहाँ से कुछ नहीं कर पाती है तो भारत ये मैच छीन कर ले जाएगी। वही बात करने आए हैं विरेंद्र असरंगा, जो बात कर रहे हैं पति राणा के साथ, 19 गेंदों पर अब 83 रन भारत के सामने, जीत का लक्ष्य, जीत के लिए 83 रन। भारतीय टीम एक बार फिर तैयार ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। चलिए आखिरी गेंद ओवर की, जायसवाल तैयार, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओवर की आखिरी गेंद सामने यशस्वी, आखिरी गेंद के लिए तैयार है, कट लगाया है, गेंद जाएगी डायरेक्ट हिट, अगर लग जाता तो आउट हो सकते थे शुभमन गिल। दौर की समाप्ति पर 48 रन, महेश तीक्ष्ण आप गेंदबाजी पर, देखिए श्रीलंका ने स्पिन गेंदबाजी को उतार लिया है, अब जायसवाल देखते हैं स्पिन को कैसा खेलते हैं। 18 गेंदों पर 82 रन, लगातार रन भी बनाने होंगे भारत को। पहली गेंद के लिए तैयार यशस्वी जायसवाल, तीसरे ओवर की पहली गेंद सामने जायसवाल, और पहली गेंद को बड़ा शॉट लगा दिया, गेंद बहुत ऊंची जा रही है, गेंद हवा में है, क्या विकेट गिरेगा, नहीं चकाइए,
ये छक्का है, कमाल की शुरुआत कर रहे हैं भारत के दोनों सलामी जोड़ी की 50 रन की साझेदारी दोस्तों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच में दोस्तों इस समय हो चुकी है 13 गेंद ओवर 50 रन की साझेदारी। चलिए ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार, ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार सामने यशस्वी, क्या करेंगे और ये ओवर कवर खेल दिया इस बार और बेहतरीन यहां पर सोच सकारात्मक जिसकी साफ नजर आ रही है जायसवाल की। महेश तिक्सना को यहां पर कुछ अलग सोच के साथ गेंदबाजी करानी होगी, भारतीय टीम का प्रचंप लहरा है इस समय तिरंगा इस मैदान में लहराते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगा दिया और की तीसरी गेंद के लिए तैयार जायसवाल, 9 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी, 60 रन भारत का कोई विकेट नहीं गिरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात है। ये मिड विकेट पर कैच की मांग, अगर पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएगा, जी हां चाह रही है। लगातार भारतीय टीम का परफॉर्मेंस हाई, सर के ऊपर से जाते हुए श्रीलंका के मैच निकल रहा है हाथ से, अगर श्रीलंका ने यहां से विकेट नहीं गिराया तो भारतीय मुकाबला जीत जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों सभी से एक बार भारत देश के लिए भारतीय माता के लिए एक बार मुकाबले को हर हर महादेव के साथ मुकाबले को लाइक कर दीजिए। 10 गेंदों पर 42 रन भारत को, 15 गेंदों पर 66 रन, क्या बना पाएगी टीम इंडिया। चौथी गेंद के लिए तैयार यशस्वी, 8 रन दूर अर्धशतक से, जायसवाल ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल नहीं करा है, बिना खड़े खड़े लगा दिया है, गेंद बहुत ऊंची है और ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। जी हाँ भारतीय टीम इस मैच में एक बार फिर आगे निकलती नजर आ रही है टीम इंडिया, श्रीलंका यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है इस मैच में और ये मैच छिनता चला जा रहा है श्रीलंका के गेंदबाजों के हाथ से। वनंदो असरंगा क्या कोई एक चाल चलने वाले हैं भारत के विरुद्ध, 14 गेंदों पर 60 रन, अब यहां से सिर्फ 14 गेंदों का खेल बचा है दोस्तों जीत के लिए 60 रन। यशस्वी जायसवाल की अगर यहां से दोस्तों बात करी जाए तो 11 गेंदों पर 48 रन यानी कि 2 रन दूर अर्धशतक से, वहीं शुभमन गिल 5 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए ओवर की यहां पर पांचवी गेंद का सामना करने के लिए तैयार यशस्वी जायसवाल, 2 रन दूर है अर्धशतक से, इस बार ऊपर करा है, इस बार लॉन्ग ऑन पर जायसवाल ने अपना दम लगा रहे हैं इस मैच को, भारत की जीत दिलाने के लिए दम लगा रहे हैं, बहुत दम लगा रहे हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया, एक और बेहतरीन पारी, 12 गेंदों पर 54 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी, स्ट्राइक रेट 450 का, देखिए दोस्तों देख लीजिए यहां पर लगभग 450 के टारगेट से यशस्वी जायसवाल ने, एक यशस्वी जायसवाल के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों क्योंकि बिना कोई विकेट गिरे भारतीय टीम ने 76 रन बना लिया। अभी ये श्रीलंका के मैच से हाथ फिसल रहा है, श्रीलंका ने अगर यहां से कुछ एक कारनामा नहीं करा तो मैच हार जाएगी श्रीलंका। चलिए सामने तैयार यशस्वी जायसवाल, महेश तिक्सना के ओवर में 28 रन आ चुके हैं, लीजिए 28 नहीं कर लीजिए 34 रनों का सबसे बड़ा ओवर, छक्का है ये भी, क्लियर करेगा रो को, ये भारत की शान का छक्का, जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी करी है, ओवर हुआ समाप्त, यहां से केवल 12 गेंदे अब बची हैं। वनंदु कप्तान खुद गेंदबाजी कराने के लिए श्रीलंका की ओर से, असरंगा 12 गेंदों पर 48 रन, अभी भी मैच भारत के पकड़ में पूरी तरीके से आया नहीं है और इस सलामी जोड़ी ने भारत के लिए कमाल कर दिया, लेकिन असरंगा तैयार पहली गेंद का सामना करेंगे। कई बार असरंगा ने भारतीय टीम को फंसाने का प्रयास करा है, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, कैच की मांग, लेकिन गेंद निकल जाएगी चौके के लिए, जी हाँ ये 4 रन है, ओवर कवर के ऊपर से एक बार हल्का सा मौका बना दिया था इस गेंद पर हसरंगा ने, लेकिन फिर गेंद कवर के खिलाड़ी के ऊपर से निकल गई चौके के लिए। चलिए 11 गेंदे अब 44 रन भारत के सामने, अभी भी लक्ष्य बड़ा है और श्रीलंका इस मैच में वापसी कर सकती है, जीत सकती है, लेकिन एक बार इस कैच पर नजर डालिए, अगर ये हल्का सा इधर उधर होता तो ये कैच हो सकते थे, देखिए एकदम गुड लेंथ पर गेंद करी, बड़ा शॉट लगाने के लिए गए थे शुभमन गिल, ये देखिए बल्ले के एकदम बीचों बीच नहीं लगी थी, लेकिन गेंद अगर वो खिलाड़ी डाई लगाता तो शायद एक, ये देखिए हो सकती थी, अगर डाई लगाते तो मुश्किल कैच था, भले ही बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन फिर भी ऐसे कैच अगर आप नहीं करेंगे तो मैच कहीं ना कहीं
आप बाउंड्री ही बचाने का प्रयास कर लेते, कम से कम बाउंड्री बचती श्रीलंका के लिए। असरंगा तैयार ओवर की दूसरी गेंद के लिए सामने शुभमन गिल, 11 गेंद पर 44 रन, ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार शुभमन गिल तैयार। बड़ा शॉट, इस बार गेंद बहुत ऊंची उठ चुकी है और अगर ये विकेट चौका है ये भी भारत वापसी पूरी तरीके से इस मैच में। शुभमन गिल कमाल कर रहे हैं, भारतीय टीम का धमाल चल रहा है इस मुकाबले में। जी हाँ, यहाँ पर अब श्रीलंका को करनी होगी, विकेट लेना ही होगा। अब श्रीलंका की मजबूरी दोस्तों बनती जा रही है, कौन जीतेगा ये मैच ही कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 10 गेंदों पर अब 40 रन और लगातार अगर 10 गेंदों पर 10 चौके लगाएगी भारतीय टीम तो ये मैच जीत जाएगी। 7 गेंदों पर 30 रन, हसरंगा ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार, एक बार फिर चले गेंदबाजी कराने के लिए। ओवर की तीसरी गेंद सामने मौजूद है, रिवर्स स्वीप और ये रिवर्स स्वीप से क्या शॉट खेला है, वन बाउंस चौका, उल्टा घूमकर स्विच हिट और ये चौका। ये देखिए भैया, ये कमाल का शॉट, री स्विच हिट, ये तो कमाल का आपने पिटारे में से ये शॉट खेला है शुभमन गिल ने। ये देखिए भैया, कमाल का स्विच हिट, उल्टा घूम के लेफ्ट हैंड बनकर ये शॉट खेला, ये देखिए, ये भैया कमाल, वाह लाजवाब हिट, लेफ्ट हैंड बनकर शुभमन गिल ने सीधे हाथ के बल्लेबाज है और उल्टा हाथ का ये शॉट खेला है। उनको पता है डीप एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है। 94 रन की साझेदारी, भारत की सबसे बेहतरीन और सबसे मस्त साझेदारी समय हो चुकी है। टीम इंडिया के सपोर्ट में जल्दी जल्दी भाइयों मुकाबले को लाइक कर दो, आज भारतीय टीम जीत के बहुत करीब बढ़ती चली जा रही है श्रीलंका के सामने। आखिरी केवल कुछ गेंदों का खेल बच गया, मात्र यहां से कुछ ही गेंदों का खेल बचा है, मात्र 9 गेंदों का खेल बचा, 36 रन बनाने हैं, यानी कि 9 गेंदों पर 3-6 छक्के लगाने होंगे। ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज शुभमन गिल, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर, क्या ये विकेट होगा, नहीं, गेंद भी जाएगी छक्के के लिए, 100 रन की साझेदारी। ये है भारत की शुरुआत इस T20 मुकाबले की, शतक पूरा भारत की, श्रीलंका की मेजबानी में भारतीय ने कर दिया है भारत ने आरंभ प्रचंड कमाल। ये देखिए लेंथ गेंदबाजी लगातार बिंदु हसरंगा करा रहे और लगातार भारत को ये आसान गेंदें खेलने को मिल रही है। और देखिए खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ का ऊपर था और वहीं से छक्का लगाया। 8 गेंदों पर 30 रन, 8 गेंदों पर 30 रन, कौन बनेगा ये, कौन जीतेगा ये मुकाबला। और कि यहाँ पर तैयार है 5 गेंद का सामना, शुभमन गिल वड़ंदो हसरंगा तैयार, गेंद बड़े शॉट के लिए मिड विकेट के ऊपर से, ये भी गेंद जाएगी, 6 रन भारत की यहाँ पर मैच में पूरी तरीके से वापसी। और श्रीलंका इस मैच में पिछड़ती भी नजर आ रही है, श्रीलंका इस मैच में पिछड़ती भी नजर आ रही है दोस्त। छक्के लग रहे हैं लगातार, 7 गेंदे अब 24 रन जीत के लिए। इस ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी भारत की, इस ओवर में विंडो हसरंगा के ओवर में 24 रन भारत ने बनाए हैं, अब 7 गेंदों का केवल खेल बच गया है और जीत के लिए अब 24 रन चाहिए। अब देखिए क्या होगा, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। अगर श्रीलंका को यहां से वापसी करनी है तो भैया विकेट आपको लेना होगा। चलिए शुभमन गिल तैयार, हसरंगा तैयार ओवर की आखिरी गेंद के लिए, हसरंगा आखिरी गेंद कराएंगे, 24 रन दे चुके हैं, आखिरी गेंद के लिए तैयार। बड़ा शॉट लगाया है, गेंद बहुत ऊंची उठ चुकी है और यह विकेट श्रीलंका का, विकेट गिर चुका है, श्रीलंका की मैच में वापसी। हसरंगा ने दुलाई सफलता, भारत का गिरा विकेट पहला, असरंगा ने फंसाया शुभमन गिल को, भैया शुभमन गिल को फंसाया और ये विकेट भारत का गिर चुका है भाइयों। चलिए बड़ा विकेट, शुभमन गिल आउट, 11 गेंदों पर 46 रन बनाकर, अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और भेजा गया है यहां पर रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह एक ताकतवर, बहुत ताकतवर बल्लेबाज है। और गेंदबाजी कुशल मेंडिस आखिरी ओवर करेंगे। कुशल मेंडिस 6 गेंदों पर 24 रन। अब डिसाइड हो जाएगा कौन जीतेगा यह मुकाबला। श्रीलंका के सामने भारत की भिड़ंत चल रही है इस समय दोस्तों, और अब आखिरी 6 गेंदों पर 24 रन, क्या जायसवाल बना पाएंगे। एक साइड बल्लेबाज एक ही है। चलिए तैयार ओवर की पहली गेंद, 6 गेंदों पर 24 रन सामने जायसवाल, 13 गेंदों पर 60 रन बनाकर। ओवर की यहां पर पहली गेंद, बड़ा शॉट, गेंद क्या छक्का मिलेगा, क्या छक्का मिलेगा, नहीं भैया विकेट मिल गया। श्रीलंका ने भारत को एक बार फिर बैकफुट पर ला दिया, अब जीत पाना मुश्किल होगा। श्रीलंका की वापसी, लंका की वापसी। सीधा कैच, एक बार फिर मिस टाइम, दोनों सेट बल्लेबाज सलामी जोड़ी ड्रेसिंग रूम में 8 छक्के 2 चौके लगाने के बाद। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं संजो सैमसंग, लेकिन शायद स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास आ चुकी है। बढ़िया बल्लेबाज है संजू सैमसंग। जी हाँ, स्ट्राइक आ चुकी है यहां पर रिंकू सिंह। 5 गेंदों पर 24 रन। मुकाबला अंत तक देखे कौन जीतेगा ये मैच। आखिरी की मात्र यहां से 24 गेंदे, ये अंत बता पाना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा ये मुकाबला, क्योंकि मैच एक बार फिर भारत के हाथ से निकल गया है दोस्तों। ये मुकाबला हिंदुस्तान के हाथ से निकल चुका है। आखिरी की मात्र यहां से 5 गेंदों का खेल बचा। रिंकू एक खतरनाक खिलाड़ी है, क्या रिंकू पर हम भरोसा कर सकते हैं? और जो भी देश जहां से भी भाई देख रहा है, हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कहां से इस मुकाबले में जुड़े हैं, कौन से देश, कौन से गांव, कौन से राज्य से। 5 गेंदों पर 24 रन ओवर की दूसरी गेंद के लिए सामने रिंकू सिंह। 5 गेंदों पर 24 रन यानी कि लगभग 4 छक्के लगाने होंगे। रिंकू तैयार ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार। कुशल मेंडिस दूसरी गेंद के लिए तैयार। रिंकू क्या लगा पाएंगे छक्का, और ये ओवर कवर खेल दिया। रिंकू को मिल जाएगा पहला छक्का, ये है पावर रिंकू की। श्रीलंका मैच में वापसी कर चुकी है, लेकिन जो सामने मैच विनर बल्लेबाज है रिंकू, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगा दिया है। अब यहां से 4 गेंदों पर चाहिए 18 रन। देखिए लगातार वहां पर गेंदबाज भी लगातार साइड में बदलाव कर रहे हैं। और पहली गेंद पर देखिए रिंकू, देखिए इधर ओवर द विकेट गेंदबाजी करा रहे थे, देखिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करा रहे हैं, और फिर देखिए अगली ही गेंद अराउंड द विकेट, लगातार अपनी साइड में बदलाव कर रहे हैं वहां पर मेंडिस। और ये गेंद देखिए बढ़िया, नो बॉल तो नहीं है ये देखिए, लेकिन रिंकू सिंह पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और लेंथ गेंद, और ये रिंकू को सबसे ज़्यादा पसंद है ये शॉट लगाना, और ये कवर के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ छक्का लगाया है। 6 रन है, बेहतरीन विस्फोटक शुरुआत रिंकू की। चलिए अब 4 गेंदों पर 18 रन, क्या रिंकू जीता पाएंगे मैच? क्या लगता है दोस्तों, रिंकू में ताकत है, लेकिन रिंकू को और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को, किस प्रकार से रिंकू ले पाते हैं या नहीं ये देखेंगे। आखिरी की यहाँ पर गेंदों का सामना करने के लिए रिंकू तैयार। ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार रिंकू सिंह। चलिए रिंकू तैयार ओवर की तीसरी गेंद। 4 गेंदों पर 18 रन ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार सामने रिंकू सिंह। बड़ा शॉट, ओवर कवर, इस बार भी खींच दिया ये शॉट छक्के के लिए। ये मैच बन सकता है, जीत सकती है भारत। इस बार हटकर पूरा देखिए वहां पर रिंकू सिंह ने क्या करा कि गेंदबाज को कंफ्यूज कर दिया कि आप मुझे कराइए यॉर्कर, मैं तो भैया हटके ही खेलूंगा। जी देख लीजिए कमेंडो मेंडिस
देखिए रिंकू को देखिए, बिल्कुल हट गए थे। ये देखिए आपको दिख जाएगा, फिर उनको पूरा पावर जनरेट करने का ये मौका मिल गया और मिला ये छक्का। और एकदम देखिए बीचों बीच ये शॉट, 6 रन है, रिंकू ने वापसी करा दी है भारतीय टीम को। एक समय ऐसा लग नहीं रहा था कोई बल्लेबाज जो आते ही भारतीय टीम के लिए छक्के लगा सकता है, और रिंकू को आज ऊपर भी भेजा है इसी जीत के लिए भारत की, इसलिए रिंकू को आज ऊपर भेज दिया कि आप जाइए और भारत को जीत दिलाइए। ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार रिंकू सिंह, 2 गेंद पर 2 छक्के। ओवर की चौथी गेंद कुशल मेंडिस, मेंडिस तैयार ओवर की चौथी गेंद, 3 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए, क्या भारत लगा पाएगा छक्का? ओ भैया ये तो हो गया काम खराब, इस बार काफी दूर गेंद करा दी रिंकू को, और रिंकू से बड़ी गलती हो चुकी, रिंकू सिंह से ये बड़ी गलती है। देखिए इस बार गेंदबाज समझ चुके थे पिछली गेंद पर रिंकू ने इसी प्रकार से यही कोशिश करी थी, लेकिन रिंकू इस बार गेंदबाज समझ गए कि रिंकू इस बार भी खड़े और हटकर खेलेंगे। देखिए इस बार गेंदबाज ने अपनी कलाइयों के सहारे से गेंद को थोड़ा स्पिन भी रखा और सबसे जरूरी बात बल्लेबाज से दूर रखा। ये देखिए नहीं भाई बहुत दूर रह गए, बहुत दूर रह गए भैया, गेंद की पिच तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए रिंकू, और ये गेंद डॉट। अब लगाने होंगे रिंकू को 2 गेंदों पर 2 छक्के अगर ये मैच भारत को जीतना है तो रिंकू को दोस्तों अब लगाने ही होंगे, अब कोई शक नहीं है। मैच समाप्त होने वाला है लेकिन उससे पहले मुकाबले को लाइक कर दीजिए, 2 गेंदों पर 2 छक्के क्या रिंकू लगा पाएंगे? कमेंट करके बताइए क्या रिंकू में भारत को एक ऐसा फिनिशर मिल चुका है रिंकू सिंह जो भारत के लिए आगे समय पर बेहतरीन मैचेस जिताएगा। चलिए अब तैयार हो जाइए, आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए, सामने रिंकू तैयार है। 5वीं गेंद के लिए रिंकू तैयार, अगली गेंद 5वीं, लेकिन रिंकू ने इस बार आओ देखा ना ताओ गेंद उछाल दी है, क्या छक्का जाएगा? जी हाँ क्लियर कर देगा रोको, भारत के लिए ये बढ़िया, अब छक्का आ चुका है कमेंडू मेंडिस की गेंद पर। रिंकू को एकदम इस बार देखिए ये श्रीलंका की ओर से बड़ी गलती यहां पर मानी जा सकती है, क्योंकि इस समय या तो गेंदबाज बल्लेबाज से श्रीलंका को दूर रखना चाहिए या तो फिर यॉर्कर और फिर या तो गति तेज, लेकिन ये देखिए सबसे आसान गेंद, लेंथ गेंद, गुड लेंथ गेंद और बिल्कुल प्रहार रिंकू का, और ये छक्का लगा दिया रिंकू ने, एक बार फिर भारत की उम्मीदें बना दिए। अब आखिरी गेंद पर ये मुकाबला एक बार फिर दोस्तों आ चुका है, 1 गेंद पर 6 रन बनाने हैं भारत को, ये मुकाबला जीतना है, और जो भी देश हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ा हुआ है अंत तक वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सबके कमेंट पर रिप्लाई आपको मिलेगा। टीम इंडिया के सपोर्ट में मिलकर दोस्तों आप सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आखिरी गेंद आने वाली है भारत का, यहाँ से समाप्ति होने वाली है, कौन बनेगा विश्व विजेता ये इस गेंद पर पता चल जाएगा दोस्तों। श्रीलंका एक बेहतरीन टीम है, अगर आज श्रीलंका ये गेंद डॉट गेंद करा देती है फिर श्रीलंका ये मैच जीत जाएगी भाइयों। 1 गेंद पर 6 रन, आखिरी गेंद क्या रिंकू लगा पाएंगे, क्या रिंकू बनेंगे फिनिशर भारत के लिए बेहतरीन, ये गेंद पर तय हो जाएगा दोस्तों। और आप सभी भी मुकाबले को लाइक करें, भारत देश के लिए हिंदुस्तान के लिए 124 पर दिन, अगर यहां से श्रीलंका ने ये गेंद डॉट करवा दी दोस्तों, और अगर डॉट करवा दी तो ये मैच श्रीलंका जीत जाएगा। लेकिन रिंकू सिंह पर क्या आप सभी लोग भरोसा रखते हैं, कमेंट करके बताइए क्या रिंकू में ऐसी ताकत है जो एक गेंद पर छक्का लगाने का मादा आखिरी गेंद पर रखते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बल्लेबाज आखिरी गेंद पर छक्का लगाने का मादा रखते हैं, क्या आपकी नज़र में है कमेंट में बता दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट लिख दीजिए, सभी के जवाब मिलेंगे कमेंट में। और कौन किस राज्य किस डिस्ट्रिक्ट किस गांव से हमें देख रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए। चलिए बेहतरीन मैच, लाइक कर दीजिए, आखिरी गेंद आने वाली है, बल्लेबाज तैयार आखिरी गेंद का सामना करने के लिए, रिंकू मेंडिस तैयार आखिरी गेंद,
एक गेंद पर क्या 6 रन भारत की विक्ट्री होगी या आज भारत को पहले मैच में हार मिलेगी। क्या दुखी मन से भारतीय टीम इस मैच में ग्राउंड के बाहर आएगी या नहीं, ये देखना होगा, या श्रीलंका की टीम दुखी होकर आएगी। चलिए आखिरी गेंद पर पता चलने वाला है कौन बनेगा, कौन जीतेगा ये मैच। एक गेंद पर 6 रन सामने रिंकू सिंह, आखिरी गेंद के लिए तैयार सामने कुशल मेंडिस। चलिए आखिरी गेंद का इंतजार हुआ समाप्त, आखिरी गेंद के लिए तैयार, कौन जीतेगा ये मैच। एक गेंद पर छक्का, रिंकू तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर कवर, छक्का लगा दिया, मैच जीत गई भारतीय।